उम्मीद है कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी, मेहनत से बनाई है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, कहानी होपफुली मैंने अच्छे से सुनाई है, दासदेव है तो रिवर्स जर्नी है। इतना मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि देव जो है वो बाहर मरेगा नहीं पारो के दरवाजे के, पारो जो है उसके खिलाफ खड़ी होगी और वो कोठी से बाहर निकलेगी और सेकेंड हाफ में आएगी और देव के खिलाफ पॉलिटिकली लड़ेगी, और चांदनी जो है वो पॉलिटिकल फिक्सर है और वो हमें कहानी सुनाएगी, और वो एक ऐसी लड़की है जिसको सब जानते हैं, हर पॉलिटिशियन जानता है लेकिन जानने से इनकार करता है, वो उनके पैसे संभालती है और वो हमको कहानी सुनाती है, और वो देव को लुभाती है, उसको टेम्प्ट करती है, उसका एडिक्शन जो है वो पावर हो जाता है, और जब जिसका भी एडिक्शन पावर हो जाता है वो दास हो जाता है। अब वो दास से देव की जर्नी है तीनों की, ये मैं सुनाऊंगा आपको, एक अलग फिल्म है। आप उम्मीद सिर्फ इतनी नहीं करिए कि मैं वही पुरानी देवदास आपको सुनाने वाला हूँ, मैं दास देव सुना रहा हूँ, खुद रहती है और रहनी भी चाहिए थोड़ा सा आपको। मैंने हम क्यों फिल्में बनाते हैं, ताकि लोगों को पसंद आए, तो अब जब तक वो नहीं समझ में आता कि कितनी लोगों को पसंद आई कितनी नहीं आई, अब आपने तो बनाई पूरी मेहनत से, और अभी तक जो लोगों ने देखी है, मेरे दोस्त लोगों ने देखी है, कुछ जनरल लोगों ने देखी है, उनको बहुत पसंद आई है, बेहद पसंद आई है, सब यही कहते हैं कि बिल्कुल उलट दिया तुमने यार, ये तो बिल्कुल अलग ही कहानी है कुछ। और कास्ट में भी बहुत लोग दोस्त हैं, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेज़ कहना चाहूँगी, और यही मतलब प्रे करूँगी कि फिल्म अच्छी हो और बहुत सक्सेसफुल हो। ओके okay, बहुत जो है जब आदमी को बहुत भूख लग रही होती है तो कहते हैं ना चूहे दौड़ रहे हैं, तो चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, जिन लोगों ने देखी है, शेखर कपूर साहब ने देखी, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, करण सुमन ने देखी, उन्होंने तो मुझे लगता है कि सब अच्छा होगा, अगर अच्छी पिक्चर है तो सब अच्छा ही होगा। पता है नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक्साइटेड मैं इतनी हूँ कि रात को 9:30 बजे अगर फिल्म देखने कोई आया है तो एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा होता है। फिल्म देखने के बाद ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी कि क्या है फिल्म में। क्वेश्चन मार्क के दास देव, देव का दास, आई डोंट नो, कुछ कुछ नहीं पता, कुछ गेस नहीं कर पा रही हूँ मैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, देव ने जो प्लेयर किया होगा उनकी पॉलिटिक्स को लेकर के, ये दास जी फिल्म में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, सारी बधाइयाँ। ऑब्वियसली सुधीर सर बहुत ही अच्छी फिल्म लिखा है, और हर बार वो
दास देव यानी कि रिवर्सल ऑफ दास एंड द कास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच इज अबाउट एन अदिति एंड ओबियसली विच इज अ वेरी वेरी फैब एक्टर सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू नाउ बहुत इंटरेस्टिंग है सीरीज एंड द कॉम्पिटिशन है और ऑब्वियसली विच इज की मैं बहुत बड़ी फैन और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ जाने के लिए और मेरी फ्रेंड है सलमा about the film. Thank you all very much for coming here this evening. My congratulations to the entire cast and crew, to Mr. Sudhir Mishra, and to everybody who's been involved. It's a big day for us, and I know it's a wonderful movie. I hope you all enjoy it when it comes out on Friday. Please come and see it. This picture, please take care. सबकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त कास्ट है इतनी खतरनाक है सब लोग का परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है रिचा मस्ट हैव डन अ फैबुलस जॉब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए लेट्स सी क्या होता है काफ़ी एक्साइटमेंट है देखने के लिए दास देव एंड देर आर सो मेनी ब्रिलियंट एक्टर्स इन द फिल्म एंड सुधीर सर फिल्म सो ट्रेलर आर लुकिंग एक्साइटिंग एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म एंड सी हाउ इट इज मज़ा आता है मज़ा आता है केड़ी बात है जस्ट रिसेंटली गॉट अ कार सो वेरी हैप्पी द हियर्स बीन लुकिंग गुड दास देव सो देर आर द फेमस डायरेक्टर लाइक सुधीर मिश्रा जैसे डायरेक्टर हैं सो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में जान होगी और बहुत अच्छा पिक्चर होएगा मज़ा आएगा देखने में अदिति राव हैदरी इज देयर सो इतने अच्छे आर्टिस्ट और आर्ट कैरेक्टर्स होते हैं तो मूवी का सब्जेक्ट ऑब्वियसली अच्छा ही होगा मज़ा आएगा देखने में नर्वस क्यों होगा खुश हो और अच्छा है फिल्म अच्छी बनी है और देखते हैं जस्ट वेटिंग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग इस फिल्म का मुक्काबाज के पहले शूट हुई है ये फिल्म तो आई एम रियली एक्साइटेड हैप्पी फॉर द टीम और सबके लिए मैं खुद के लिए भी बहुत खुश हूँ अलग तरह का किरदार है जिसका नाम है मिलन शुक्ला और बिल्कुल अलग है ऐसा मैंने पहले नहीं किया था बाकी आप देखिए और लोगों से पूछिए वो लोग बताएं मैं मेरी तारीफ क्या करूँ I'm really happy because this film actually was shot 2 years ago and आपको पता है कभी कभी फिल्में बहुत सारे reasons से अटक जाती हैं and सुधीर सर इज़ अ अमेजिंग फिल्म मेकर मुझे खुद उनकी फिल्मों उनकी फिल्में देखने का एक वो बहुत कम फिल्में बनाते हैं तो हम उनसे कहते रहते हैं कि प्लीज़ मेक मोर फिल्म्स मोर ऑफन सो दैट वी कैन वॉच दैम So I'm really looking forward to seeing this for Sudhir sir. I'm a big fan of his and I know I've worked in it but I think I'm a bigger fan of Sudhir sir so I wanted to come out for Sudhir sir and for this amazing script that he's written. Before I had a blast. I think I've essayed my role as Chandramukhi really well in the film. Acha so it was basically आई थिंक मैंने कभी सुधीर सर मुझे हमेशा ऐसा रोल देते हैं वेर आई कांट इमेजिन माई सेल्फ इन दैट पार्ट बट आई थिंक दैट्स द होल एक्साइटमेंट ऑफ इट सो आई होप दैट इट हैज़ वर्कड आउट बिकॉज आई हैव टोटली गॉन विद हिज विजन एंड आई एंजॉय प्लेइंग इट इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई इमेजिन बट आई थिंक सुधीर सर सब कुछ अपने सर पे उलट देते हैं तो मज़ा आता है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट रिस्पेक्टेड राइटर्स डायरेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री And I think, you know, as an actor, it's a pleasure to be directed by him because I feel, and Altit, of course, this is the second film, right? Yeah. Third, second. Second film he's worked. I'm very jealous. I think I have, you know, he's more like a friend, father figure, mentor. I'll always be like a supporter for the films that he makes, for the stories he writes. And I'm hoping and I'm praying that he'll cast me in one of his films. In fact, Huma... Movie dekhi nahi hai maine. Movie ka aaj premiere hai. Aur... I'm very excited. I've watched many of Sudhir's films. I've also watched this particular story three times before, and this is going to be the fourth time. Das Dev is a. I'm really interested to see how Sudhir has set the story of Devdas. So very excited. Thank you.
मैं भी पहली बार देखने जा रही हूँ, पर मुझे पता है कि ये ऐसी फिल्म है दैट आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ। बहुत अच्छी लगी उनको फिल्म, जिन्होंने भी देखी सबको अच्छी लगी फिल्म, सब ने हमें पर्सनली अप्रिशिएट किया एंड आई होप दैट इट ट्रांसलेट्स एट द बॉक्स ऑफिस एंड विद क्रिटिक्स आल्सो। And now I have to run in because I have to watch this show. Thank you for waiting for me though. And like, you have seen the previous Devdas? Like, yes, yes, yes. Which has been your favorite? I liked the very first one with Dilip Kumar and Vijayanthiya Mala. I thought that was beautiful. Sanjay Leela Bhansali's was obviously very opulent. Anurag Kashyap's was like an acid trip. And now let's see what Sudhir Mishra has. देखिए सुधीर जी तो दिल्ली से बम्बई आए थे हमारे कहने पर। जो काफी वक्त हो गया, उतना कितना हुआ बताएंगे नहीं, लेकिन काफी वक्त हो गया। तो मैं इनकी पहली फिल्म थी सजाए मौत, उसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट था और मुझे सबसे ज्यादा सैलरी मिलती थी 1000 रुपए की, नसीरुद्दीन शाह से ज्यादा, 1000 रुपए महीने। तो उस फिल्म से शुरुआत है मेरी, मैंने कई बार इस दौरान माना है इस बात को। तो मैं बहुत खुश हूँ कि सुधीर की फिल्म रिलीज हो रही है। बहुत भागते भागते आया हूँ इनको आज विश करने के लिए यहाँ पे। एंड आई रियली विश हिम वेल एज ही नोज ऑलवेज। To watch the film, and of course the women Richa is fantastic, and Aditi is amazing. She's doing some great work. Rahul is going to be very, very, very different. Because if I think about Devdas, I only think of Shah Rukh Khan. Dilip saab ke baare mein to abhi sochte nahi hai zyada, matlab because time ho gaya. But yeah, I'm very excited to watch the film and can't wait.